बहुत ऑफर दे रहे हैं आपके नेता आजकल, पहले मॉनसून ऑफर, फिर विंटर ऑफर, अब ये जो ऑफर दिया है उन्होंने आज, क्या भाटी जी मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत सारे ऑफर दे रहे हैं। अब दिल्ली से योगी आदित्यनाथ क्या ऑफर लेके जाएंगे? आपने तो दिल्ली वाले वाईफाई का भी जिक्र कर दिया आपके नेता ने, वाईफाई दिल्ली से चल रहा है, पासवर्ड यूपी में है। नहीं, लेकिन लेकिन सोचने की बात यह, बंद कर दो, चलो बंद कर दो। सोचने की बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति के बारे में चर्चा है, आपकी हाँ। पूरी डिबेट उस पर केंद्रित है, और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता इसमें डिबेट में शामिल नहीं है, आपने शायद उनको परिचय दिया नहीं या है ही नहीं। नहीं, वो इस डिबेट में नहीं है, बता देती हूं। है आप, बीजेपी का प्रवक्ता डिबेट में है या नहीं? नहीं है, नहीं। हाँ, अब देखिए मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ। मैं अब से पहले भी एक दूसरे चैनल पर था, उन्होंने स्पष्ट एंकर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय पर प्रवक्ता भेजने से मना कर दिया है। तो कल शाम तक तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता जोर शोर से योगी जी की वकालत कर रहे थे, हर एक चैनल पर, हर एक डिबेट में कह रहे थे योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी सरकार चल रही है, सरकार को कोई खतरा नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं बदले जाएंगे, ये सब चंडू खाने की खबरें हैं, अफवाहें हैं। आज बीजेपी ने कह दिया योगी जी के समर्थन में बोलना नहीं है, प्रवक्ताओं को चुप कर दिया। तो एक दो दिन में आप देखिए विरोध में बोलना शुरू कर देंगे। अच्छा, तो ये जो खेल चल रहा है इसके लिए हम जिम्मेदार हैं या अखिलेश जी जिम्मेदार हैं? भारतीय जनता पार्टी के अंदर से उत्तर प्रदेश में 20 नेता सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। मोती सिंह का बयान आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं मैंने 45 साल के जीवन में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा जितनी योगी जी के शासन में उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है। इनके फतेह बहादुर सिंह 7 बार के विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी हत्या कराना चाहते हैं, प्रशासन मेरी हत्या कराना चाहता है और सरकार मेरी सुन नहीं रही है। सोनम किन्नर, इन्होंने किन्नर आयोग की अध्यक्ष बनाई थी, मंत्री का दर्जा दिया था, उन्होंने रिजाइन कर दिया ये आरोप लगाते हुए कि इस सरकार में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और ये सरकार सुन नहीं रही, योगी जी मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। इनके सहयोगी हैं संजय निषाद, वो कह रहे हैं योगी जी जब बुलडोजर चलाओगे तो वोट कहाँ से मिलेंगे, चुनाव कहाँ से जीत जाओगे। इनके एक और विधायक हैं उसके बदलापुर के, वो कह रहे हैं मिश्रा जी, वो कह रहे हैं 27 में बीजेपी जीतने वाली नहीं है जिस तरह का काम चल रहा है। तो ये जो इतने स्वर अंदर से उठ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या योगी जी इतने कमजोर हो गए हैं या योगी जी इतने अलोकप्रिय हो गए हैं अचानक ही, या योगी जी ने इतना खराब काम करना शुरू कर दिया? खबर आ रही है, अभी हमने चलाया था कि आने वाले हैं, डायरेक्ट किया जा रहा है, इन्हें डिक्टेट किया जा रहा है, दिल्ली, ये दिल्ली की कठपुतलियां हैं सब। हाँ। दिल्ली की नजरें टेढ़ी हुई हैं, दिल्ली पहुंच गए, तस्वीरें दिखा देती हूँ एक बार भाटी जी, दिल्ली में बहुत अब ऐसा लग रहा है आपके नेता के तंज के जो जवाब है वो दिल्ली में भी तय हो सकते हैं। ये दिल्ली की तस्वीरें आ रही है, योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं, गेस्ट को स्क्रीन पे रखिए, योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच गए हैं, अब सारी नजरें यहां पर हैं क्योंकि एक नीति आयोग की बैठक तो है, लेकिन उसके साथ साथ बीजेपी की जो अपनी बैठक है उसको लेकर चर्चाएं ज्यादा हैं। अब मैं ये पूछ रही हूँ भाटी जी, देखिए ऐसा होता है, हम लोग जो सियासी जो नेता होते हैं वो उन बैठक उन शोज में ज्यादा जाते हैं जहां पर दूसरे वाले पर हमला करने का मौका मिलता है, तो ऐसा ही होता है, बीजेपी वाले आज आए नहीं कई बैठकों में, कई महाभारत के शोज में आप लोग नहीं आते हैं, बात करते हैं आप आते नहीं हैं, तो ये बड़ा अजीब लगता है मुझे, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है हर मुद्दे पर बात करनी चाहिए, हर मुद्दे पर। अब क्या है ना हर्षवर्धन जी, अब इसके मायने निकाले जा रहे हैं कि योगी पर बोलने से मना कर रही है बीजेपी के नेताओं को, कहा जा रहा है पार्टी जी ये मीनिंग निकाल रहे हैं कि लोगों को कहा गया कि योगी का डिफेंस मत दो जाकर, योगी खुद डिफेंस देते रहे। हर्षवर्धन जी मैं एक टिप्पणी कर दूं 10 सेकंड की, मुझे लगता है आ रही भाटी जी इसके बाद, इतना तो आपको जिसको कहते हैं ना कि भाटी जी को ये अवसर आपको देना चाहिए और हम सबको देना चाहिए। आपको याद होगा जब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव में बहुत अप्रिय स्थिति हो गई थी, शिवपाल अखिलेश में हो गई थी, तो उस वक्त भाजपा के नेता नहीं मौज में थे। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा, और अभी तो ऐसा कोई प्रकरण कम से कम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक के बीच में नहीं हुआ, वहां तो पिता पुत्र के बीच में, चाचा भतीजे के बीच में इतना कुछ हुआ था, तो ये मुझे लगता है बड़ा स्वाभाविक है। और राजनीतिक दल जब उनको लगता है, मान लीजिए प्रवक्ता कोई भी होगा तो क्या करेगा, उस वक्त संकट मुझे याद है कि चाचा के पक्ष में बोले, मुलायम सिंह के पक्ष में बोले या अखिलेश के पक्ष में, तो समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता ऐसे भागते, तो मुझे लगता है ये एक सामान्य चीज है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है, क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी हार को लेकर समीक्षा को तैयार है? इसका जवाब है हाँ। जब इस तरह की समीक्षा होती है तो ढेर सारे विरोधी विद्रोही स्वर के साथ साथ
वो स्वर भी उठते हैं जिनकी कुछ आकांक्षा होती है, जिनकी कुछ इच्छा होती है, जिनको लगता है कि इस अवसर का लाभ मिलकर हमको कुछ मिल सकता है क्या। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी स्थिति बन रही है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली हो। जब कुर्सी खाली होगी तब उसके बाद ये बात हो सकती है। और ये अभी जो भूपेंद्र चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है, उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा कि सीएम हटाए जाने को लेकर। पर हर्षवर्धन जी, ये तो आप भी जानते हैं कि इस तरह के बयान आएंगे, ये स्वाभाविक है कि इस तरह के बयान आए, क्योंकि इस तरह की जब ये खबरें चल रही है कि एवरीथिंग इज नॉट वेल, क्योंकि वहां पर वो लखनऊ मंडल की बैठक ले रहे हैं उसमें ब्रजेश पाठक नहीं पहुंच रहे हैं, वो प्रयागराज मंडल की बैठक ले रहे हैं उसके अंदर केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंच रहे हैं। अब 10 सेकंड भाटी जी बोलना चाह रहे थे, फिर विशाल जी के बजाय भाटी जी कंप्लीट कर दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, बहुत छोटे दो टिप्पणी करूंगा। पहले तो आपने कहा कि हम केवल उस डिबेट में नहीं जाते हैं किसी भी चैनल पर जहाँ सांप्रदायिक डिबेट होती है, धर्म जाति की डिबेट होती है, बाकी हम हमारी पार्टी की आलोचना हो हम कभी नहीं भागते, हम जवाब देते हैं। दूसरी बात, 52 दिन से ये समस्या क्या है, असली समस्या क्या है? हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मुख्यमंत्री बदले ना बदले, बीजेपी का अंदरूनी मसला है ये। लेकिन ये असली समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी 52 दिन से एक सिर की तलाश कर रही है जिसके ऊपर हार का ठीक। अच्छा, ये आपने कैसे कह दिया कि हमें इंटरेस्ट नहीं है? भाटी जी, ये मॉनसून ऑफर, ये विंटर ऑफर, ये ऑफर आपके नेता देते जा रहे हैं, 100 ले आओ सरकार बना लो। अरे भाई, ये सब बोलने के बाद आप कह रहे हैं हमें इंटरेस्ट नहीं है सीएम बदलने। ये कहिए कि उनके आपस में कोई बदल जाए, हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट अपनी बनाने में, अपनी सरकार, ये बोलिए। मुझे मेरी पहले दो टिप्पणी तो पूरी हो जाए जिनके लिए मैंने आपसे समय मांगा था, संक्षिप्त टिप्पणी कर रहा हूँ। पहली बात तो ये कि असली समस्या ये है कि इन्हें सिर नहीं मिल रहा जिसके ऊपर हार कर ठीक रफ फोड़ सके। हाँ। योगी जी कह रहे हैं मेरी मानी नहीं गई थी, मैंने कहा था इतने लोगों को टिकट मत दो नहीं तो चुनाव जीत जाते, अमित शाह ने मानी नहीं। अमित शाह कह रहे हैं योगी ने खुद टिकट चुनाव हरवाया। नरेंद्र मोदी की जो जीत का अंतर एक तिहाई रह गया, 1.5 लाख से जीते हैं, उसमें बीजेपी के लोग कानाफूसी कर रहे हैं। हाँ। कि योगी जी ने जानबूझ के उनका विरोध करवाया, उन्हें कम वोट से जीतने का कारण ये है। एक धड़ा ऐसा जो आरएसएस पे आरोप लगा रहा है कि आरएसएस के कुछ नेताओं ने टिकट बेचे, दूसरे एक धड़ा ऐसा जो कह रहा बाहर से आए लोगों को टिकट दिए गए, बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ताओं को नहीं दिए गए, तो ये इनका अंदरूनी मसला है। आखिरी बात जो हर्षवर्धन जी ने कहा, ये बात सही है, 2016-17 की स्थितियां हमारे लिए बहुत दुखदायी थी और बहुत नुकसानदायक थी, लेकिन हर्षवर्धन जी ने ये तो मान लिया कि अब ऐसी ही स्थितियां बीजेपी में पैदा हो गई है। ठीक है, अंदरूनी मसला है, लेकिन ये बात सही है कि उनकी अंदरूनी फूट पर आप लोग मजा ले रहे हैं, ये फैक्ट है, इसको मान लीजिए। इस पर आप विशाल जी वो कह रहे हैं कि बहुत सारे धड़ों ने अलग अलग बातें कर रहे हैं। मेरा सिर्फ ये मानना है कि उपचुनाव है, यूपी में एक उपचुनाव है, और उस उपचुनाव से हर्षवर्धन जी आ रही है, एक यूपी में उपचुनाव है, और उस उपचुनाव में उससे पहले यूपी में अगर बीजेपी धड़े में ऑल इज नॉट वेल, तो उसका फायदा तो अखिलेश यादव उठाएंगे। भाई, वो राजनेता है, वो कुर्सी पर आने के लिए, सरकार बनाने के लिए ही लोग सियासत में आते हैं, तो दिल्ली से मंत्र मिलना बड़ा जरूरी है। नहीं सुचरिता जी, आप सही कह रही हैं कि देखिए इस तरीके से जब बातें होती है कि जब विपक्ष को मौका मिलता है कि एक प्रकार का भ्रम क्रिएट किया जाए। पहली बात तो समाजवादी पार्टी के हमारे सम्मानित प्रवक्ता बैठे हैं भाटी जी, अब ना जाने कहां से इनको कौन सी सूत्र बता रहे हैं कि किसने क्या कहा और किसका क्या रोल रहा। तो अभी तो विशुद्ध रूप से इनका काम है कि ये इनके इन प्रकार एक भ्रम, एक नैरेटिव क्रिएट किया जाए, एक कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट की जाए कि ताकि कार्यकर्ताओं के बीच में भी और जो पार्टी के कुछ लोग हैं उनके भी जो है बीच में एक प्रकार का मत भ्रम जिसे कहा जाता है वो क्रिएट किया जाए। वो ये लगातार कर रहे हैं और चूंकि प्रतिपक्ष में है तो स्वाभाविक है करना। दूसरी बात कि ये बात भी सही है कि ऑल इज नॉट वेल जैसा कि देखने में आ रहा है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि मुझे लगता है कि ये जो अब नीति आयोग की बैठक है उस बैठक के बाद तक स्थितियां कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो कुछ भी उठापटक या जिस प्रकार का भी स्टेटमेंट वगैरह आ रहा है ये हमको नहीं देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं केंद्र इसमें हस्तक्षेप करेगा। और जहां तक ये उत्तर प्रदेश में बहुत इनके हिचकोले मार रहे हैं सरकार बनाने की बात और वो मानसून ऑफर और ये ऑफर, तो हमारे सम्मानित समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी थोड़ा धैर्य रखिए, आराम से सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, परेशान मत होइए, क्योंकि कहीं पर किसी भी तरीके से काम में सुचरिता जी कोई ढिलाई नहीं है। और ये तो भारतीय जनता पार्टी की खूबी है, समीक्षा करती है जिला लेवल पर, मंडल लेवल पर,
कि जो है क्या क्या कमियां रही, क्या फीडबैक रहे, किसके कारण क्या हुआ, तो बिल्कुल करना चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो समीक्षा नहीं करेगी? और समीक्षा में जो फीडबैक आएगा, वो फीडबैक स्वाभाविक सी बात है कि संगठन महामंत्री तक जाएगा, केंद्र तक जाएगा, उच्च अधिकारियों तक जाएगा। वो तो बैठ के आपस में निर्णय लेंगे। तो वो अपनी एक सहज प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में वो चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इनको बड़ा मजा आ रहा है कि वाराणसी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चुनाव में क्या हुआ। अरे आराम से भाटी जी, प्रतिपक्ष में है, स्वाभाविक है लहरें आएंगी, लेकिन आराम से बैठिए। जो भी आपका ऑफर है वो ऑफर को संभाल के रखिए, कहीं ऐसा लाओ कि इस मानसून में बह जाए। ऐसा नहीं है, सियासत का खेल ऐसा है